हेलो एवरीवन, सीएनसी का चैप्टर टू का लेक्चर यहाँ स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन का देखिए, इसमें हमें लग रहा है कुछ चीज़ें अगर आपको लगे कि छूटी हुई हैं, हम क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, अगर लगे कि कोई चीज़ छूटी हुई है तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, सर ये क्वेश्चन नंबर एक बार बता दीजिए। ठीक, हम आपको यहाँ क्वेश्चन बताएंगे। ठीक ना, देखिए हम वहाँ के कॉपी में जो लिखा है वो कंस्ट्रक्शन वाला है। ठीक, कंस्ट्रक्शन ऑफ सीएनसी मशीन। ठीक, सीएनसी मशीन की जो कंस्ट्रक्शन है वो कैसी होती, क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो सब हम आपको लिखाए हैं। ठीक ना, आइए देख लेते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं आपके एग्जाम में। ठीक, और कौन कौन से क्वेश्चन आपको लग रहे हैं कि नोट्स में नहीं है, सर एक बार उन्हें बता दीजिए। ठीक ना, तो वो भी आप कमेंट कर दीजिएगा हमें कि सर ये क्वेश्चन नहीं आप बताए हैं, तो उसको हम क्या करेंगे, आपको दोबारा बता देंगे। पहले नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। सबसे पहले जैसा कि आप देख रहे हैं, सामान्य सा क्वेश्चन पूछता है सीएनसी मशीन के कंस्ट्रक्शन से आप क्या समझते हैं। ठीक, सीएनसी मशीन के कंस्ट्रक्शन से आप क्या समझते हैं, पहला सवाल ये बनता है आपका। फिर उसके बाद जो अगला सवाल बनता है वो ये बनता है कि सीएनसी मशीन कंस्ट्रक्शन से आप क्या समझते हैं। फिर उसके बाद अगला सवाल कंस्ट्रक्शन से आप क्या समझते हैं। फिर उसके बाद सवाल बनता है, सबसे इम्पोर्टेंट सवाल जो आपका यहाँ से बनता है वो ये बनता है, सीएनसी मशीन के स्पेसिफिकेशन, सीएनसी मशीन के स्पेसिफिकेशन बताइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आपका, सीएनसी मशीन का स्पेसिफिकेशन जो देख रहे हैं ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फिर उसके बाद अगला सवाल बनता है तीसरा, सीएनसी मशीन के कुछ महत्वपूर्ण अंग या संरचनाएं, अब देगा ऐसे संरचनाएं के बाद डैश, यहाँ देगा स्लाइड वे। ठीक, फिर उसके बाद देगा लीड स्क्रू। ठीक, फिर उसके बाद दे देगा रोलर्स। फिर उसके बाद देगा रोलर्स। फिर अगला रहेगा इसी में रोलर्स एंड बॉल। ठीक, और दे देगा इसी में आपका लीड स्क्रू हो गया, स्लाइड वे हो गया, रोलर्स एंड बॉल हो गया, पायलट का अलग सवाल बनाएंगे। इतना मतलब इम्पॉर्टेंट में ये है आपके, स्लाइड वे, लीड स्क्रू, रोलर्स एंड बॉल, और बेड भी लिख सकते हैं, सीएनसी बेड। ठीक ना, ये सब चीज़ें आपके उसमें हैं। ठीक, फिर उसके बाद अगला जो आपका आता है सवाल इसी में, देखिए समझ तो रहे ही होंगे आप लोग, सीएनसी मशीन के स्पेसिफिकेशन आपको बताने हैं, कौन कौन से स्पेसिफिकेशन होते हैं, कैसे सीएनसी मशीन को आप स्पेसिफाई करेंगे, मतलब उसका विशिष्टीकरण कैसे होता है। ठीक, जैसे लेथ मशीन का होता है उसी तरह से सीएनसी मशीन का भी होता है। हम शायद इसको कराए हैं, याद हमें नहीं यार हम कराए हैं कि नहीं कराए हैं, अगर आपको नोट्स में देखिएगा, अगर लगे कि सर इसको नहीं कराए हैं तो हमें एक बार बताइएगा तो हम आपको बता देंगे। ठीक, क्योंकि गेम से पहले का है ये, तो कुछ लोग थे कुछ लोग नहीं थे, तो कई चीज़ें हो सकता है इस चैप्टर में एक आध चीज़ें छूट गई हैं जहाँ तक हमें लग रहा है, तो अगर आपको लगे कि सर ये चीज़ें छूटी हुई हैं उसको बताना है दोबारा तो आप कमेंट कर देंगे हमें। बस इतना लिखना है आपको सर कि इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर ये बता दीजिए। ठीक, तो फिर हम एक बार उसको देख लेंगे और देखने के बाद फिर दोबारा वीडियो बना के उसका आपके पास भेज देंगे। ठीक, तो ये कर लीजिएगा। स्पेसिफिकेशन के बाद कुछ महत्वपूर्ण अंग, जैसे आप जानते हैं जैसे आपके लेथ मशीन में स्लाइड वे, लीड स्क्रू, रोलर्स, बॉल, ये सब होते हैं, बेड वगैरह जो होते हैं, उसी तरह से इस सीएनसी मशीन में किस तरह से होते हैं उनको बताना होता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे होती हैं, बस उसको समझाना है इसमें। अब अगला जो आपका बनता है, अगला सवाल
जो अगला सवाल बनता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल, स्वार्फ रिमूवल, या इसी को हिंदी में कहते हैं चिप्स हटाना, क्या है इसे समझाइए। बहुत बार लगभग 99% सीएनसी के क्वेश्चंस में स्वार्फ रिमूवल पूछता है। स्वार्फ रिमूवल क्या है या स्वार्फ रिमूवल सिस्टम से आप क्या समझते हैं, इसको बताइए। ठीक, बहुत ही ज़्यादा इसकी मतलब चांसेस जो हैं 100% तक लगभग बनते हैं कि ये पूछ सकता है स्वार्फ रिमूवल। ठीक ना, तो ये स्वार्फ रिमूवल करते हैं, इसी को चिप्स हटाना भी कहते हैं। सब लोग जानते ही हैं इसको कि कैसे सीएनसी मशीन से चिप्स को हटाया जाता है। ये चीज़ें इसमें आपके यूज की जाती हैं, किस तरह से यूज होते हैं। ठीक ना, तो इन सब चीज़ों को भी आपको देखना है और करना है। ठीक, कि ऐसे होगा, ये इसमें ये दिक्कत होती है सर, ऐसे है ये। ठीक, अब एक पांचवा सवाल, आज के लेक्चर का लास्ट सवाल, पांचवा सीएनसी मशीन में मोशन देने के लिए मोटर्स का उपयोग बताइए। एवं किस प्रकार के मोटर, सर्वो मोटर बताएं। ठीक ना, तो यहाँ मोटर का उपयोग पूछेगा, तो आप लिखेंगे कि हाँ ये तरीके से ऐसे ऐसे होता है। पाँच नंबर के सवाल में आप पता है आधा पन्ना भरने से नंबर नहीं मिलता है, तो पन्ना भरने के लिए भी थोड़ा सा आपको लिखना पड़ेगा उसमें, हल्का सा मतलब बढ़ाने के लिए कि हाँ ये चीज़ें होती हैं, ऐसे ऐसे होता है, तो उसको बढ़ाने के लिए भी आपको वो चीज़ें करनी पड़ती हैं। ठीक, तो वहाँ पे देख लीजिएगा कि हाँ ये चीज़ हो रहा है। ठीक ना, और फिर उसके बाद उसको हल करने के बाद, उसको मतलब ठीक से मतलब लिखने के बाद, अगर आपको, देखिए मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप लिख रहे हैं और लगे आपको कि सर अभी मेरा बहुत छोटा हो रहा है, तो आप हमें बताइएगा, तो हम बताएँ कैसे बड़ा होगा। ठीक, लेकिन पहले आप क्या करेंगे, कोशिश करेंगे एक बार, अगर देखिए लिखने का मतलब ये नहीं कि आप कॉपी पे लिखें चाहे कहीं लिखें, आप जैसे ये है पैड है, इस पैड पे भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आपके पास भी होगा। ठीक, और लिख करके हमारे पास भेज दीजिएगा, अगर आपको लगे कि सर ये सवाल हमें टफ लग रहा था तो हम अपने हिसाब से लिखे हैं, भेज दीजिएगा, हम देख लेंगे, फिर उसी हिसाब से आपको बताएंगे कहाँ पे क्या सुधार करने की ज़रूरत है। ठीक, तो चलिए ठीक है, आज का लेक्चर यहीं रोकते हैं, कल फिर मिलेंगे आपको इसी क्या कहते हैं अगले लेक्चर के साथ, या नेक्स्ट लेक्चर में जब आपको मिलेंगे तो इसका सेकंड लेक्चर रहेगा और फाइनल लेक्चर भी रहेगा, तो वो ख़त्म हो जाएगा, फिर उसके बाद अगले पे बढ़ेंगे। ठीक, डेली के लिए आपको दो लेक्चर, एक लेक्चर मिलेंगे डेली, होमवर्क टाइप का रहेगा और डेली आप उसको करते हुए चलेंगे। ठीक ना, चलिए ठीक है, सब लोग समझ ही गए होंगे, कहीं कोई दिक्कत होगी तो कमेंट करिएगा। चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, बाय।